जिले के पांकी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने अपना नामांकन किया। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने अपना नामांकन किया है। महावीर मोड़ पर जनसभा कर वे आचार संहिता का पालन करते हुए खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन किया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी सह पूर्व विधायक ने कहा कि पूर्व में भी मेरे पिता विदेश सिंह और मैंने क्षेत्र में विकास करने का काम किया है और जनता के बीच रहने का काम किया है और आज भी करता हूं। इस बार मुझे जनता फिर से चुनती है तो मैं क्षेत्र में विकास का कार्य करूंगा और जनता के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा। इसलिए कि हमारे क्षेत्र में जिस तरह का अभी का जो हालात अभी का हालात अभी का जो समय चल रहा है वो काफी कठिनाइयों से वहां के हमारे क्षेत्रवासी सामना करना पड़ रहा है। लोगों को जरूर कहना चाहेंगे कि हमारा क्षेत्र में जो स्वर्गीय हमारे पिता विदेश सिंह जी ने जिस तरह से इस क्षेत्र को अपने खून और पसीना से सींचने का काम किए थे और इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था भयमुक्त वातावरण देने का काम किए थे, और उनके जाने के बाद जरूर इस बाकी विधानसभा के एक एक हमारे अभिभावक, एक एक हमारी माताएं बहनें, एक एक हमारे नौजवान साथियों ने जो आशीर्वाद मुझे देकर उसी तरह उस व्यवस्था को कायम करने के लिए मुझे आशीर्वाद लोगों ने दिया, और जरूर आशीर्वाद देने के बाद बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने क्षेत्र को चलाया और क्षेत्र में कम समय में अपने अधूरे पिता के सपनों को पूरा करने का काम किया। और जब बीच में लोगों ने बदलाव की मांगों को रखने का काम किया हमारे क्षेत्र के लोगों ने, उस लगातार मांगों को रखते रखते लोगों ने देखा कि भाई एक बार इन्हें मौका दिया जाए। लोगों ने मौका दिया और क्षेत्र का वो हालात और स्थिति है जो कि लोग जिम्मेवारी लेने से हटने लगे हैं, और लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हम अपने आप को कि सरकार हमारी नहीं, सरकार उसकी, ये कहकर बातों को टालने का काम करते हैं और क्षेत्र के लोगों को सिर्फ अधूरे कार्य दिखाकर और सपने दिखाने का काम करते। लगातार कई एक शिलान्यास हमारे क्षेत्र में भी हुआ वर्तमान विधायक के द्वारा, जो कि एक भी योजना प्रारंभ नहीं हुआ, सिर्फ चुनाव समीकरण को देखते हुए सिर्फ झूठा शिलान्यास करने का काम किया गया, जो कि बाकी विधानसभा की जनता ने इस क्षेत्र में विकास के मामले में एक समुद्र में गोता लगा चुकी चुकी है। और ऐसे ऐसे जो अभी का हालात है, आज ही हमारे क्षेत्र में जो स्थिति बना है, आज हमारे व्यवसायी समाज के घर में पाकी में कुछ हमने न्यूज में देखा है कि डकैती हो चुका है, और जरूर ये काफी शर्मिंदगी की बात है जो हम लोग के समय में ये सब पे काबू पाया गया था। जरूर मैं कहूंगा ये पाकी विधानसभा का कोई नेता नहीं, हम पाकी विधानसभा का एक बेटा के रूप में कल सेवा दिए थे और लगातार अपने नहीं भी पद पे रहने के बाद भी सेवा देने का काम किया हूँ, और जरूर हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक समाज के लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, और जरूर जो आशीर्वाद हमारे पाकी विधानसभा क्षेत्र वासियों का मेरे साथ है तो जरूर हर साजिश को नाकाम करने का काम करूंगा और हर साजिश को पर्दाफाश करने का काम करूंगा, और जरूर उसी तरह इस क्षेत्र को एक मॉडल विधानसभा के रूप में काशी विधानसभा में स्थापित करने का काम करूंगा। आप लोग सभी पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जोहार।